स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। आज दोस्तों आप सभी का 19 फरवरी है और आज आप सभी का हिंदी का बोर्ड परीक्षा है, हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी का 22 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे कि दोस्तों आज आपके एग्जाम में पूछने वाला वही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पत्र होगा, पत्र के साथ आपका विज्ञापन होगा, विज्ञापन के साथ आपका निबंध होगा, सारा चीज यानी कि 2200 का 2200 सब्जेक्टिव प्रश्न आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका जो आज का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय को और दीर्घ उत्तरीय में दोस्तों आपका एक पत्र है, ठीक है, उसके बाद विज्ञापन है, उसके बाद निबंध है। तो सारा चीज आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो 1 से 1.5 घंटा बाद अपलोड हो जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, एग्जाम में तहलका मचा देंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब देना है। 2×6=12 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। 31 नंबर कहता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव का जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। देखिए दोस्तों शब्द जो है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का मतलब होता है छल या फिर भरम या फिर छलावा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें कि इसका तत्पर आँखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुत्वा की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। मतलब कि मृग तृष्णा का मतलब ऐसा चीज जो ना होते हुए भी होता है, मतलब कि जो नहीं है और वह होने का आभास दिलाता है, भ्रम दिलाता है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो आने वाला है उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से सब्जेक्टिव है आपका 100% एग्जाम में आज पूछा जाएगा, उसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव का दोस्तों क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है, साना साना हाथ जोरी, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो साना साना हाथ जोरी का जो मतलब है कि छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल क्या है लिखना, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूरज की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और व्यक्ति दोनों के मिलकर कार्य करने में उपजाता है। फसल दोस्तों बिना मनुष्य के नहीं उपजेगा, बिना प्रकृति के संसाधनों बिना जो फसल नहीं उपजेगा, यानी फसल जो है आदमी यानी कि कृषि और इंसान और ये प्राकृतिक दोनों मिलकर फसल को जो उगाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 34 नंबर कहता है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश मिलती है, कि छाया मत छूना, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। कहता कि छाया मत छूना कविता उद्देश्यपूर्ण या पाठकों के जीवन की सच्चाई और वास्तविकताओं में जीने की प्रेरणा देती है, ठीक है। कवि कहता कि अतीत की मीठी यादें कितनी भी सुहावनी और मनभावनी हो किंतु वे दुख ही देती है, इसलिए यादों में अपने वक्त के बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे संदेश यह था कि यश वैभव धन मान बड़प्पन सब छलावा है, इनमें वास्तविक सुख नहीं है, वास्तविक में हर सुख के पीछे एक दुख छिपा होता है, अतः हमें जीवन की यथार्थ पर अडिग रहना चाहिए। मतलब कि देखिए दुख सुख दोनों आते रहता है, ठीक है, और इस मतलब जो आपका छाया में छूना इसका मतलब ही है कि जो पिछले जो आप पिछले वक्त में जैसे कि कोई व्यक्ति खुश था और वह अभी दुख है, ठीक है, तो पिछले वक्त खुश वक्त को अभी याद करता तो उसको और दुख मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से इसका कहने का मतलब था, ठीक है। चलिए 35 नंबर दोस्तों कहता है, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बीमों के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। तो कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, मृतक बेबी जान डाल देना, देखिए जो नन्हे शिशु होते नन्हे बालक होता है वो उसका कहने के, देखिए ऐसे तो होता नहीं लेकिन मृतक में भी जान डाल देना ये नागार्जुन के द्वारा कहा गया बात है, ठीक है। कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, बांस या बबूल से सिफालिशा के फूल का झरना, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना और तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराना, ये छोटे से बच्चे
शिशु करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, नेक्स्ट 36 नंबर कहता है, ठीक है, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम तहलका मचा दीजिए, इसका सारा फायदा आपको एग्जाम में पहुंचने के बाद मिलने वाला है 19 फरवरी। ठीक है, 9:45 से एग्जाम में देख लीजिए, एग्जाम में धड़का मचा दीजिए। ठीक है, चलिए 36 नंबर कहता है, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है। तो कभी बादल से फुरजने रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में क्रांति लाना चाहता है क्योंकि बादल के गरजने के बाद जल स्वयं बरसता है, जैसे कि इस प्रकार से बोल दिया है। ठीक है, चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। जो कैप्टन था वो सेनानी नहीं था, ठीक, वो सेना में भर्ती उड़ती नहीं था। ठीक है, कैप्टन जो था वो बूढ़ा मरियाल सा लंगरा था, जो कि फेरी करता था, चश्मा बेचता था। ठीक है, चश्मा का व्यापार करता था। तो लोग चश्मे वालों को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे चश्मा पहना देते थे। ठीक है, देता था, लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। ठीक है, चलिए ये तो आप पढ़ेंगे, पान वाला कैप्टन नेताजी का चश्मा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर कहता है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर शिशक नाम भूल जाते थे क्यों। ठीक है, तो भोलानाथ की माँ ने उसके सर पर तेल लगा दिया, ठीक है, माथे पर काजल की बिंदी, और यह सब भोलेनाथ को पसंद नहीं आया और शिशक ने लगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि आपका 18 नंबर दिलाएगा। ठीक है, वो एग्जाम में टोटल 8 को पूछेगा, 6 गो का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए कहता है 39 नंबर की कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो कविता में बादल जो निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, सबसे पहला कि पानी वर्षा कर, ठीक है, सभी की प्यास बुझाता है, सुखी बनाता है। ठीक है, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है, नवनिर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर को लिखिएगा। ठीक है, जल्दी से दोस्तों जितना प्रश्न बता रहा हूँ उसको एकदम याद कर लीजिए, धड़क्का मचा दीजिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए 40 नंबर, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। जो कविता का जो मेन शीर्षक है उत्साह, जो कि अट नहीं रही है, ठीक है, तो उसको उत्साह क्यों रखा, मेन शीर्षक उसको उत्साह कहा रखा। ठीक है, तो कविता ने कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहता था। ठीक है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। ठीक है, लोगों को क्या करना चाहता था, क्रांति के लिए उत्साह करना चाहता था। ठीक है, जैसे बादल गरजता था, उनकी क्रांति का चेतना देता था, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए 41 नंबर दोस्तों कहता है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, कवि का जो आंख है फागुन की सुंदरता इतना मोहक है, उससे उनकी आंख क्यों नहीं हट रही है। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सुंदर अत्यंत मनमोहन होता है। पेड़ पर हरी और लाल पत्तियां लटके रहते हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खीले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। इस प्रकार से इसका उत्तर को लिख लीजिएगा। चलिए 42 नंबर दोस्तों कहता है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान, ठीक है, इस पर कवि का क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चों की मुस्कान की मनमोहकता इतना देखकर, ठीक है, ऐसा लगता है कि अमृतक में भी जान डाल देगी। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा इसका आंसर। चलिए 43 नंबर दोस्तों, 43 नंबर 43 नंबर कहता है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग कौन से अर्थ में हुआ है। तो मृग तृष्णा हम लोग देखें जो कि छल या फिर भ्रम को कहते हैं। अब दोस्तों कविता में जो इसका प्रयोग है कौन से अर्थ में किया गया मृग तृष्णा का प्रयोग। ठीक है, तो मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा। इसका तात्पर्य आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर होने का जो भ्रम स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुत्व की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकते रहता है, इधर से उधर चलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा।
44 यानी कि 44 नंबर दोस्तों का था भाव अस्पष्ट कीजिए, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, इसका भाव स्पष्ट करना, दो आपका पंक्ति दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि इन पंक्ति में फसल उपजाने में सूरज की किरणें तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है, सूरज की किरणें अपने उष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है, वहीं दोस्तों हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए 45 नंबर दोस्तों कहता है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि छोटा सा बच्चा हंसता है और एक बड़ा सा व्यक्ति हंसता, तो उसके दोनों के बीच में अंतर वर्सेस, ठीक है, छोटका बल्ले छोटका वर्सेस बड़का, ठीक है, इसके दोनों में अंतर क्या होगा? तो बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होता है। पहला, बच्चे की मुस्कान सरल तथा स्वाभाविक होती है, ठीक है, स्वाभाविक होती है, और वहीं बड़े के जो मुस्कान हुआ बनावटहीन, ठीक है, बनावटीपन होता है, यानी कि जो स्वाभाविक नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा में लिखिए कि बच्चे की मुस्कान भोली तथा स्वार्थहीन होती है, वहीं पर बड़े की जो मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होता है, वो अपना काम के लिए दांत को खिखा रहेगा, ठीक है, कोई मतलब का ही नहीं। ठीक है, चलिए बच्चे की मुस्कान निष्काम और निश्चल होता, वहीं बड़े की जो मुस्कान है परिस्थितियों के अनुसार तय होता है, जैसे कि अभी कहेगा कि भाई हम तेरा उनको कुछ खिलाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एकदम हंस हंस के बात करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर पर लिखिएगा। 46 नंबर दोस्तों कहता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है क्या होना चाहिए, आपका लघु उत्तर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और अपनी उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना, राजा को अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, इसके अनुसार गोपियां मानना चाहती थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं की दोस्तों फिर से बोले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो आने वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, वो तो आने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 47 दोस्तों कहता है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखे। ठीक है, तो कैसे लिखना पत्र को एकदम ध्यान से देखिए कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पिताजी को लिख रहे इसलिए पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, मुझे आपका पत्र मिला और यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि घर में सभी लोग कुशल से हैं, मैं यहाँ कुशल से हूँ, मेरी परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और मैंने पूरी तैयारी कर ली है, गणित हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छे से हो चुकी है, विज्ञान में थोड़ी सी तैयारी बाकी है, जल्दी मैं उसको पूरा कर लूँगा, बाकी सब यहाँ कुशल है, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा आशीर्वाद, और हिंदी के बाद आप सभी का विज्ञान का एग्जाम है तो साइंस का भी तैयारी होगा, टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना आपका पुत्र जो भी नाम है आपका लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद उससे एक विज्ञापन प्रश्न होगा, तो चुनाव में वोट देने के लिए वोट देने की अपील। ठीक है, चुनाव में वोट देने की अपील के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना आपको। ठीक है, हम सब का नारा है घरी छाप हमारा है। देखिए जैसे जैसे लिखे इसी प्रकार से लिखा हो सकता है, इसको आप कॉलम में डाल दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, रेखा में इसको डाल दीजिएगा और भी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, 50 वो शब्द बोला, बहुत ही कम शब्द में आपको विज्ञापन लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, हम सब का नारा है घरी छाप हमारा है, और ये 50 शब्द वाला, इसका मतलब भी आप समझिए कि छोटा से छोटा शब्द में एकदम मस्त विज्ञापन तैयार कीजिए कि आकर्षित हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना हम सब का नारा है घरी छाप हमारा है, आपके शहर के कर्मठ उम्मीदवार श्री बाबूराव कुमार को अपना कीमत वोट देकर विजय बनाए, हमारा प्रयास पक्की सड़क स्वच्छ नाली साफ पानी अस्पताल स्कूल पैसा बिजली पक्के मकान हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन दोस्तों जो वोट मांगता है ये तो कहता है कि हम ये सब करेंगे, लेकिन जीतने के बाद तो करवे नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लिख लीजिएगा विज्ञापन, बहुत ही अच्छा से लिखे थे। ठीक है, 49 नंबर सुखता आपके विचार से मान ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ठीक है, आपको दीर्घ उत्तरीय में दो आपका बुक से प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपका निबंध पत्र इस प्रकार से। ठीक है, तो माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज की बुराइयों से परिचित है, वह जानती है कि जो लड़की भली तथा सरल होती है समाज उसको कुछ लोग जो मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते हैं, इसलिए माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने आपको सरल प्रकट ना होने देना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों 50 नंबर का था सैनानी ना होते हुए भी, ठीक है, चश्मे वालों को ले कैप्टन जो क्यों कहते थे, ठीक है, सैनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को ले लोग जो कैप्टन क्यों कहते थे, तो लोग चश्मे वालों को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह चश्मा पहनता था, ठीक है, पहना देता था, लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कैप्टन जो है कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि निबंध से है। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर जो है क्या करना है, 250 शब्द में निबंध को लिखना है। सबसे पहले दोस्तों हमारा राज्य झारखंड, एकदम प्यारा सा भाषा में लिखे, एकदम मस्त चीज, ठीक है, हमारा राज्य झारखंड पर लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना इसका देना, इतिहास बताना, सीमा निवासी बताना, संसाधन विशेषता और उपसंहार बताना है। देखिए कैसे लिखना है, प्रस्तावना में सबसे पहले लिखना हमारा राज्य झारखंड है, ठीक है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 लिख दीजिए, 2000 ईस्वी को हुआ, ठीक है, और बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन बनाया गया, ठीक है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंकार और खनिज संप्रदायों का क्षेत्र। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंकार और खनिज फैले हैं। झारखंड में टोटल यानी कि झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। झारखंड में टोटल 24 को जिला, ये भी अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं इतिहास। तो अव्वल फजल ने आइनक बरी में, ठीक है, इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदय राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है, ईसा से लाखों वर्ष, ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार बर्तन उपकरण आदि मिले हैं। कहाँ, झारखंड में, बहुत ही पुराना पुराना चीज मिला है, ठीक है। चलिए सीमा दोस्तों लिखना है कि यहाँ पर इसका सीमा किस किस से लगता है, तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है राज्य, ठीक है, उसके पूरा में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। जब आप झारखंड देखें तो झारखंड ऊपर में सटल के बिहार है, ठीक है, और नीचे में दोस्तों आपका दक्षिण में इसका उड़ीसा है, ठीक है, और पूरा में पश्चिम बंगाल और आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़, इस प्रकार से इसका चौहद्दी होता है, ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है, ठीक है। निवासी में दोस्तों लिखना है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बुकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है, ठीक है, यहाँ पर बड़े लिख लीजिएगा, ठीक है, बड़े शहर है। यहाँ उराव, संभाल, मुंडा आदि निवासी जनती जाति रहती है, ठीक है। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः संभाले, ठीक है, मुंडारी, यहाँ पर मुंडारी लिख दीजिएगा, बंगला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। संसाधन, तो संसाधन राज्य, संसाधन झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है, जो जैसे कि आपको पता है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, जो कि झारखंड में ही है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है। यहाँ मुख्यतः धान और गेहूँ की खेती किया जाता है, ठीक है। चलिए विशेषता बताना है दोस्तों कि झारखंड का क्या क्या विशेषता है। तो झारखंड राज्य में खनिज का भंडार है। भारत में सबसे पहले अधिक खनिज झारखंड में पाया गया, ठीक है। यहाँ लोहा के बड़े बड़े उद्योग फैले। जमशेदपुर में लोहा का सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है, टाटा स्टील वाला, ठीक है, आपको पता होगा। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी हैं, देवघर, वासुकीनाथ, आजमधान, टुकिया एवं प्रमुख मंदिर, ठीक है, हुनरू और दशम के जल प्राप्त देखने योग्य हैं। इसके अलावा नतरहार, कांके, ठीक है, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उपसंहार में लिखिएगा, जो कि आपको पूरा चीज लिखना होता है, जो कि इसका मेन रीजन यानी कि मेन पॉइंट। तो संसाधन से भरा पूरा हमारा राज्य झारखंड त्वरित विकास की बाट जो हो रही, आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य झारखंड अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति तथा समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखें, 2200 का 2200, ठीक है, 51 में यहाँ देखे, आपका 52 में भी आपका एक आपका निबंध है, तो हम लोग 51 तक ही देखे, ठीक है। तो यहाँ पर 22 प्रश्न को हम लोग सोल्व किए, सब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज का जो प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को आप देख लीजिए, इंडस्क्रीन पर सो रहा तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है।